राइटेड है सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार जो नया फॉर्मेट है वो हम आपको अपडेट कर देता हूं इस वेबिनार में हम लोग क्या करेंगे ये ऑफिशियल स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड पोटेंशियल मूव्स डिस्कस करेंगे कि किस सीन सिनारी में किस पैटर्न में आप राइट right ना हो ताकि जो नेक्स्ट इम्पल्स या करेक्टिव वेव्स हैं उन उसका एडवांटेज आप ले सको राइट right? इसके अलावा जो संडे को यूट्यूब लाइव होगा उसमें जो आप प्रीवियसली क्वेश्चन यहाँ पे पूछते थे स्क्रिप्ट्स को लेकर लेट से क्रूड ऑयल मारुति थी क्रूड ऑयल तो खैर मैं खुद ही अपडेट करता हूँ यहाँ से बट जो भी आपके क्वेश्चन हैं स्क्रिप्ट्स को लेकर वो आप पूछोगे संडे को संडे लाइव को आई थिंक मोस्ट ऑफ इवनिंग में रहेगा आठ बजे के आसपास सेम टाइम और इसके अलावा जैसे ये स्क्रिप्ट हो जाएगी आपके चार्ट्स और मार्केट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि संडे को जो होगा ना मैं सिर्फ चार्ट्स देखूंगा मतलब कि सिर्फ स्क्रिप्ट्स देखूंगा मैं कुछ खास उस टाइम आंसर नहीं करूंगा तो आज का जो सेशन है अगर आपका चार्ट जो आपकी स्क्रिप्ट्स हैं उसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं मार्केट रिलेटेड वो आप आप, आप यहाँ पर पूछ सकते हो दैट आई विल बी आंसरिंग सो दिस इज द न्यू फॉर्मेट लेट्स सी हाउ डज़ इट गो इफ अगर नहीं जाता अच्छा तो विल स्विच बैक टू दी प्रीवियसर सो फॉर अ मंथ और विदाउट फर्दर टू डू लेट स्टार्ट विद्टी एन द मार्केट एनालिसिस तो हुआ क्या है पहले वो देख लो और क्या एंटिसिपेशन है वो देख लो निफ्टी जिस हिसाब से सीन सिनारियो है देखो ये जो सपोर्ट है मैंने रिकोगनाइज करवाया था आप लोगों को आई थिंक ये एक स्नैपशॉट है ट्रेडिंग रूम का सो सेवन ट्वेंटी फाइव ये जो वेव है ना ये जो डाउन की है ये सेवन ट्वेंटी फाइव मैंने यहाँ पे इसलिए उनको एक्सप्लेन किया था कि ये लेवल आज भी इंटैक्ट है और ये सपोर्ट आज भी इंटैक्ट है विच मीन्स कि जिस हिसाब से एक्सपायरी हमारी हो चुकी है मंथली मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ इन कमिंग मंथ ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा स्लो जा रहा है बट एज़ लॉन्ग एज ये वाला जो स्ट्रक्चर है मेनटेन करता वी नो दिस स्ट्रक्चर एंटिसिपेशन हमारी ये रहेगी ना ये कब तक रहेगी ये जो एंटिसिपेशन है ये जो 725 है उसमें ये आपके लिए भी लागू होता है ये जो शुरू के दो नंबर है वो है आप ख़ुद ही इमेजिन कर लो कहाँ पर राइट तो right? so, 725 ये नहीं कि मैं 725 एंटिसिपेट एंटीसिपेट कर रहा हूँ पंद्रह है वो सो दैट्स व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग ये सपोर्ट है आपका इस मार्केट का जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है या फिर आपका मार्केट इस स्ट्रक्चर या इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो होना क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये यह आपको एक नया हाई दे, दे दे देगा इन कमिंग वीक और वो जो हाई होगा एंटिसिपेशन हमारी ये है कि मोस्ट प्रॉब्लली आई थिंक 10-15 तारीख के आसपास ये जो लेवल्स है जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो ये आपके अचीव हो जाएंगे विद इन अ वीक एंड सो सो दैट विल बी द एंटिसिपेशन जिस हिसाब से सीन सिनारी हैं सेल के लिए ये मार्केट अभी रेडी नहीं है यू नो वट इज़ माई अप्रोच टू द मार्केट आई डोंट सेल रैंडली अन और अनलेस आई हैव ए प्रोसाइस स्ट्रक्चर विच मीन्स कि अगर किसी स्ट्रक्चर को सेल करना है फॉर द नेक्स्ट वेव आपने अगर करेक्टिव स्ट्रक्चर के बात करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा है अदरवाइज़ क्या होगा कि ये वाला जो पीस आप देख रहे हो ना यहाँ पर ये वाला ये और ऊपर जाता जाएगा तो जो चीज़ आप यहाँ सेल कर सकते हो यहाँ सेल करके कोई मतलब नहीं है जस्ट लुक इट द अदानी हाउ डज इट बिहेव सो दैट्स दस सेम केस नो इज़ इट ए टॉप नो इट्स नॉट सो कब तक नहीं होगा जब तक ये जो सीन सीज़ है पंद्रह हज़ार सात सौ पच्चीस इफ इट्स मेनटेनिंग दिस इज गोइंग अपर लेवल के जो टारगेट हैं वो अभी ये एंटिसिपेट करो कॉलपुट को जो सेलर बाई करते हैं वो आप इन लेवल्स के हिसाब से एंटिसिपेशन कर सकते हो सो दैट जिस हिसाब से सीन सिनारी फ्रेश के बनाने हैं फ्रेश अगर ट्रेड बना रहे हो ना ये जहाँ पर खड़ा है अगर मंडे को जो मार्केट आपका खुलता है गैप अप खुलता है तो आप एक पोजीशन बना सकते हो या फिर ये जो ट्रेड आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा सेल देखो यहाँ पर ऐसा कुछ सेल आएगा ना जो कि ये आपके ये लेवल्स मेंटेन करेगा तब तक आप ऊपर देख सकते हो बोले सो डोंट लुक एट फॉर दिस सेल सेटअप्स ऑन द लार्जर डिग्री स्पेशली ऑन अ डेली इन आवरली स्ट्रक्चर दैट्स निफ्टी वेन इट कम्स टू द बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर आई मीन ये रिमार्केबल है मैंने आई थिंक लास्ट का जो स्पेशल वेबिनार वेबिनार नहीं आई थिंक इट्स अ वीडियो सो so, जो वी वीडियो है उसमें मैंने आपको एंटिसिपेट तो करा दिया है नहीं ये वेबिनार ही था पच्चीस जून का सो दिस इज़ व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग और जो लास्ट इसके बाद का जो वीडियो है जो फॉलोअप है इसके बाद का उसमें मैंने आपको ये भी एंटिसिपेट करा दिया था कि डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो रही है ना दैट मीन्स अच्छा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना आई थिंक आज ही आपको अपडेट किया है ये इतनी ब्यूटीफुली हम लोगों ने रिकोगनाइज़ किया था यू मीन लुक एट दैट स्ट्रक्चर वी वी वर एबल टू एक्चुअली आइडेंटिफाई इट वन डाउन एंड वन अप सो ये जो सीन हैं लुक एट दिस ये भी हमने एक्चुअली ट्रेडिंग रूम में आइडेंटिफाई किया था सो दिस इज लाइक ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून का सीन एंड सिनारी हैं दिस इज़ वट वी एंटिसिपेटेड एंड दिस इज़ वट हैपन्ड आफ्टर दैट इट्स अ वेरी वेल नोन पैटर्न इट्स अ एल शेप स्ट्रक्चर विद इन द वेवस सो इस तरह के स्ट्रक्चर तब मार्केट में बनते हैं जब यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड की जो फॉर्मेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है तो यहाँ पर एक करे करेक्टिव फॉर्म आती है इन दिस केस वी गॉट द एल शेप ब्रेकआउट और एल शेप स्ट्रक्चर इन दिस सिनारियो एंड देट इज वाई दिस काइंड ऑफ सिनारियो वी वर एबल टू आइडेंटिफाई नाउ ट्रेडिंग रूम की एक खासियत ये भी है ये आपको राइट right ट्रैक पर रखती है मार्केट में मोस्ट प्रॉब्बली जो जब ये ब्रेकआउट होता है ना तो मोस्ट प्रॉबली पीपल क्या करते हैं दे गो एंड जंप इन अ सेल सो व्हाट वी कैन डू इन योर सिचुएशन देयर वी कैन टेल यू द रियल डायरेक्शन रियल पॉसिबिलिटी इन द मार्केट सो होता क्या कि आपको मैं नेक्स्ट अंबानी तो शायद ना बना सकूँ पर जो आपकी मार्केट में असिस्टेंस है राइट right साइड का जो माइंड है वो डेवलप आपका करा सकता हूँ सो वट आई कैन कीप यू कैन कीप यू टू द राइट साइड ऑफ द मार्केट जिस हिसाब से सीन सिनारी दिख रहे हैं मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया दिस इज वॉट आई एम एंटिसपेटिंग बट इसमें एक केस यहाँ पर याद रखना ये जो थर्टी फोर फोर थर्टी फोर फोर जीरो नाइन का जो लेवल है वो अभी भी इंटैक्ट है पर वीकली और डेली स्ट्रक्चर एक बार यहाँ पर देख लो ये जो सीन सिनारी मैं खुद यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहा हूँ दिस शुड डू दिस मोस्ट ऑब्ली समथिंग लाइक दिस एंड देन दिस बट एक रेजिस्टेंस पर देखो ये जा रहा है So, ये देखो जब यहां पर ये जब मार्केट आएगा ना इफ इट डज दिस वेल एंड गुड नो प्रॉब्लम बट इफ इट फेस एनी रेजिस्टेंस समवेयर हियर तो थोड़ा सा उसको रीअनालाइज करना पड़ेगा बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहां पर बट जिस हिसाब से सीन सिनारी अभी दिख रहे हैं एज लॉन्ग एज आपका निफ्टी 725 15,725 और बैंक निफ्टी का ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि 34,500 34,400 के आसपास आप एंटिसिपेट करोगे ये ऑल राइट right? और उस केस में आप ये रेजिस्टेंस लेकर चलना अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करता मार्केट जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इट शूडेंट फेस एनी रेजिस्टेंस वे आर एंटिसिपेटिंग दिस इन दी मार्केट टारगेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं बैंक निफ्टी के सो डोंट बी सरप्राइज इफ दैट दे गेट अचीव्ड

मैं एक्चुअली ये फिफ्थ भी एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ देर इज अ रीज़न बिहाइंड इट ऑल राइट सो मैं जो हूँ ये मैंने एक्चुअली पोजिशन ऑलरेडी बनवाना स्टार्ट कर दी है ट्रेडर्स की आई एम एंटिसिपेटिंग दिस और इस वेव के बहाने मैं एक्चुअली इससे ये एंटिसपेट कर रहा हूँ क्योंकि ये जहाँ पर खड़ा है ना अगर इसने ब्रेक डाउन कर दिया एंड यहाँ पर कोई बाई नहीं आया तो लिटरली दिस विल बी इवेंचुअली बिकम अ फर्स्ट इम्पल्स फॉर द डाउन साइड और उस केस में ये जो टॉप होगा दैट जितनी भी आपकी रीडिंग्स हैं फ्रेश आपको रीड करना पड़ेगा यहाँ से इस मार्केट को सो so, अभी के लिए भले ही ये ट्रेड आप लूज कर दो बट पे रियली क्लोज अटेंशन क्योंकि यहाँ पर अगर बाई बनता है तो यहीं पर बनता है अरे सो right? so, इस रेंज के आसपास ये जो स्ट्रक्चर है ये बस ब्रेक नहीं होना चाहिए अदरवाइज द एनालिसिस इज चेंजड लेकिन जब तक ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रिंट नहीं हो रही है तब तक आपके लिए यही एक एंटिसिपेशन में रहेगी इस केस में देखना कि बस यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है और सो दैट्स आई थिंक गोल्ड ऑन द लार्जर डिग्री नाउ स्टार्टेड मेकिंग सेंस वंस इट डज दिस आई थिंक दैट will बी एंटायर डब्ल्यू एक्स वाई स्ट्रक्चर ऑन द लार्जर डिग्री और इट इसके जो टारगेट्स हो जाएंगे आप चाहो तो ये रेजिस्टेंस भी रख सकते हो या फिर चाहो तो आप ये वाला टॉप भी रख सकते हो टेक्निकली वो क्या करेगा आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू गो इन लाइक एक सीधी वे में जाने वाला है वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस लेते हुए जाएगा थोड़ा यहाँ फेस करेगा पर हर एक रेजिस्टेंस विल बी अ शॉर्ट टर्म सेल एज अंट्राडे सेल और शॉर्ट टर्म सेल पर एवरी डिप कु अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस सो so, एक ये प्लान रखना बस यहाँ पर अगर बिगिनर होना तो उसको छेड़ने की कोशिश मत करना अगर बिगिनर होना तो आप लोगों को यहाँ पर आना चाहिए वंस इट ब्रेक्स दिस रेजिस्टेंस यू शुड कम समवेयर हीयर लेकिन अगर एडवांस ट्रेडर हो टू इंटरमीडिएट भी हो तो चल जाएगा यू कैन लुक फॉर एक्चुअली आई मीन आपके पास रिस्क एपेटाइट होना चाहिए इफ़ यू हैव द रिस्क रिस्केटाइट यू कैन जंप इनटू द बॉटम फिशिंग आपकी बेटर प्राइस रहेगी पर रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा अगर नहीं है तो फिर वेट फॉर द स्ट्रक्चर टू बी कन्फर्म सो विच मींस ये एटीन फिफ्टीन के लेवल्स पर आप नजर रख सकते हो वैन इट कम्स टू दिस सिल्वर इट्स द सेम केस ये भी जिस लेवल पर खड़ा है अगर मोस्ट प्रॉब्ली वन टू थ्री ये रहा रेजिस्टेंस यहीं पर है आपका इस लेवल को होल्ड नहीं करता है तो लिटरली ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये चेंज हो जाएगा और उस केस में ये ब्रेक डाउन होगा और ये जो ब्रेक डाउन होगा ये एक्सक्यूज में ये लार्जर डिग्री का भी ब्रेक डाउन होगा तो दैट इज वाई एवरी बायर स्पेशली द इंस्टीट्यूशनल बायर्स दे विल कीप देयर पोजिशन इंटैक्ट और होना क्या है जरा इस पर नजर रखो दे स्टार्टेड मेकिंग अ फॉर्मेशन सिर्फ एक छोटा सा रजिस्टेंस यहाँ पर है इट शुड बी

फॉर यू टू सेल द मार्केट क्योंकि जिस हिसाब से सीन सिनारी जिस है ना कई बार क्या होता है कि जो करेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह के कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ऑन द वे देखो एक बार क्या होता है कि इंपल्स होता है वेन यू हैव एज एग्जैक्ट पैटर्न यू आर सपोज टू बाई इट रिगार्डलेस वॉट एवर हैपन्स बट वंस यू बाई इट इट कुड कन्वर्ट इन टू द कॉम्प्लेक्स करेक्टिव फेस विच मीन्स इट कैन डू समथिंग लाइक दैट और उसके बेस पर आपको इन्फॉर्मेशन बनानी होती ना इस वीकली अपडेट में मैं क्या कर सकता हूँ एक पॉसिबिलिटीज बता सकता हूँ बट किस हिसाब से पैटर्न ऑन द लाइक ऑन द गो अपना स्ट्रक्चर बदल सकता है वो आपको ध्यान रखना तो ये जो पैटर्न है यहाँ पर दोनों डायरेक्शन नहीं आ रहे हैं आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू दिस और डू दिस आई एम जस्ट टेलिंग यू टू डू दिस ओनली एट द मोमेंट जिस हिसाब से पैटर्न एंड सीनारी दिख रहे हैं पर क्योंकि हम लोग वीक में एक बार मिलते हैं तो नेक्स्ट पैटर्न ऐसा ना हो कि जब हम मिले तब तक ये मूव वैसा चला जाए तो उस केस में सिर्फ क्या करना ये जो पीस है वंस इट ब्रेक्स डाउन इस पर नजर रखो यहाँ पर अगर कोई भी फ्लैग बनता है तो देन ओनली यू वुड बी सेलिंग अदरवाइज बिग नो यू वुड बी लुकिंग फॉर अ बाय मेकिंग दिस एज अ रेजिस्टेंस एंड वंस इट्स क्रॉस दिस इज द टारगेट यू आर एंटिसिपेटिंग और अभी के लिए अगर ये लेवल होल्ड करता है सिल्वर तो मैं खुद एंटिसिपेट कर रहा हूँ दैट्स ए वन टू एंड थ्री ऑल राइट सो दैट्स द एंटिसिपेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पैटर्न राइट right? तो ये देख लो जरा इसको मिस मत करना इट्स अ गुड वन

तो आई होप आपने ये एक्चुअली स्नैपशॉट लिया हो आई मीन चार हज़ार के आसपास उस टाइम प्राइस चल रहा था इट्स अ फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड और जिस हिसाब से अभी सीन सिनारी हैं ऑयल पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर तो वो रिपीट कर लो क्योंकि फिर डिटेल में एनालिसिस यहाँ करने से कोई मतलब नहीं सो वट वी आर लुकिंग फॉर इन दिस ऑयल इसके जो लेवल्स हैं आई थिंक ये स्ट्रक्चर्स के आ रहे हैं वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग दिस टू आई मीन दिस लेवल टू डू वन टू पॉसिबल थ्री फोर एंड द फिफ्थ सो ये जो स्ट्रक्चर है ये जो लोज हैं यहाँ पर नॉट एंटिसिपेटिंग दिस टू बी ब्रोकन डाउन एंड दिस मीन्स जब इस मंथली स्ट्रक्चर को आप देखोगे ना तो मोस्ट प्रॉब्ली इट हैज रिजेंबल ऑफ दिस वेव सो एंटिसिपेट करो जरा इसको विच मीन्स देर इज अ मोर पोटेंशियल लेफ्ट इन ऑयल सेक्टर एंड ऑयल एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू आर सेलिंग द ऑयल बी केयरफुल आई थिंक अंटिल और आपको पिन पॉइंट करने की जरूरत ना हो अगर आप सपोज करो बिल्कुल आप एक्स एक्सक्यूज नहीं अगर आप यहां पर सेल नहीं करना चाहते ना तो आपको मार्केट ऑलरेडी बहुत चांस देगा यहां सेल करने के यहाँ सेल करने के तो सेम केस डोंट सेल द टिप टॉप यहाँ पे सौ दो सौ पॉइंट आपको लेट एंट्री मिलेगी पर चल जाएगा यू वुल बी गेटिंग द मोर एंट्री क्योंकि अगर देखो ये टिप टॉप पकड़ने के चक्कर में अगर आप सौ दो सौ पॉइंट की फिक्र करोगे ना तो यहाँ पे जाओगे यहाँ पर जाओगे यहाँ पे जाओगे यहाँ पर भी जाओगे अरेट सो यू शुड बी केयरफुल हीयर So plan the buys on the dips and especially some corrective structure wait for it and jump on to it I think oil is strong it's nothing weak on this side